तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर हमने पढ़ा था एक रेखा में गति, यानी वहां पर केवल और केवल एक ही विमा में परिवर्तन हो रहा था गति के दौरान। अभी इसमें जो गतियां होगी उनमें हम एक विमा के अलावा ज्यादा विमा, जिसे समतल की बात करें तो एक्स और वाई दोनों प्लेन मिलाकर के एक तल बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर शून्य से एक एक तल बन गया, वापिस एक दूसरा तल ये भी हो सकता है, ये वाला तल जो इधर वाला है, ऐसे ये भी इनका भी एक तल है। यानी कहने का मतलब दो जो विमाएं हैं उनको मिलाकर के, जैसे आप जिस फर्श पर हो अभी वो एक तल है कि नहीं, एक कमरे में अगर आप देखो तो आपको कितने समतल नजर आते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर कमरे में देखोगे तो 6 समतल नजर आएंगे, दो सामने आमने सामने की दीवारें इधर वाली, दो इधर वाली दीवारें और छत और फर्श, इस तरह से 6 आपको तल नजर आएंगे। तो उस तल में जो गति हो रही है, उस तल में होने वाली गति की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की गति हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी। तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी? फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा भौतिक राशियां आपने सेकंड चैप्टर में दो प्रकार की पढ़ी थी, पहली थी सदिश व्युत्पन्न भौतिक राशियां, पहली तो थी मूल भौतिक राशियां और दूसरी थी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां हमने 7 पढ़ी थी। एक सर पूरक राशियां भी देना क्या बेटा? पूरक राशियां भी देना। हाँ, पूरक राशियां भी थी उसमें, लेकिन मेनली मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो वो उन्हीं मूल राशियों में आएगी, जो पूरक राशियां हैं उनको उन्हीं में काउंट किया जाता है। तो भौतिक राशियां हमारे पास मेनली दो प्रकार की थी, मूल राशियां और फिर अपन बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो 7 हमारे पास मूल राशियां थी, उनके साथ हम 2 पूरक राशियां और पढ़ रहे थे, समतल कोण और घन कोण। तो वो जो भौतिक राशियों का एक क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, वो तो मात्रक पद्धति के आधार पर था। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण उनकी दिशा के आधार पर। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनको दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, उनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, या आप यूं कह सकते हो कि बिना दिशा के केवल और केवल परिमाण के साथ उन भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए लेकिन आपको दिशा भी बतलानी पड़ती है। तो ऐसी भौतिक राशियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस आधार पर जो मेनली भौतिक राशियां होती है वो आपके पास दो प्रकार की होती है, एक होता है आपके पास अदिश राशियां और एक होती है आपके पास सदिश राशियां। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। परिमाण समझते हो? जैसे मैंने बोला संख्या के साथ उसका मात्रक, वो मिलकर के परिमाण होता है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी कौन सी राशियां हैं जो अदिश राशियां हैं? तो अदिश राशियों के तौर पर हम ले सकते हैं समय। समय किसी ने बोला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, 5 वर्ष, 6 महीने, इनमें कोई भी दूरी, सॉरी कोई भी दिशा काम में नहीं लेता,
यानी ये राशि बिना दिशा के, इसको बिना दिशा के व्यक्त किया जाता है। तो ये राशि कैसी राशि है? अदिश राशि। इसी तरीके से दूरी, चाल, इसके अलावा बहुत सारी अदिश राशि हम ले सकते हैं, जैसे कार्य, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हो गए बेटा? सदिश राशि। अब हम बात करेंगे सदिश राशि। सदिश राशि में कौन सी होती है? तो देखो बेटा, सदिश राशि जो होती है उनके लिए आपको परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी राशियां हैं, अभी हम बात कर लेते हैं इन राशियों की भी। तो दूसरे नंबर अपन पढ़ रहे हैं सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण नहीं, वहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी राशियां कौन कौन सी है? तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आगमन या बल आदि। ठीक है, तो इस तरह की राशियां आपके कहलाती है सदिश राशियां। अब बेटा एक और, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक और राशि के नाम आप सुनोगे, नाम सुनोगे, उसको हम बोलते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि तो बेटा प्रदिश राशियां जो होती है ऐसी राशियां जिनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। मान लो वो घूर्णन कर रही है तो घूर्णन में क्या होगा? परिवर्तित होगी। तो ऐसी राशियां जिनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, प्रदिश राशियां कहलाती है। जैसे विद्युत धारा। अब बेटा विद्युत धारा में आज से लेकर मतलब काफी इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिकों में मतभेद है, हम उसे प्रदिश कह देते हैं क्योंकि वो ना अदिश है ना सदिश राशि है। ऐसा आप आगे डिस्कशन करोगे। विद्युत धारा की दिशा तो होती है कि वो प्लस से माइनस की ओर गति करती है, लेकिन वो एक्चुअल में विद्युत धारा घनत्व की दिशा होती है। आगे 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे इसे, विद्युत धारा घनत्व को। यहाँ पर जो हम बात करें धारा, धारा क्या होती है कि वो एक तो सदिशों के योगफल का नियम का पालन नहीं करती। सदिशों के योगफल का नियम आगे अपन पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि सदिशों के योगफल का नियम क्या होता है। इसी तरह से धारा के लिए अगर आप सूत्र लेते हो I बराबर Q बटा T, तो I बराबर जो Q बटा T है वहां पर Q भी क्या है? अदिश, और T समय भी क्या है? अदिश। आवेश अदिश, समय अदिश, दोनों अदिश है। तो अदिशों का जो भागफल है उससे प्राप्त होने वाली राशि आपके पास कैसी होती है? अदिश। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अपन विद्युत धारा के उपलक्ष में या उसके बारे में अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो राशि अदिश क्यों है इसका रीजन मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, तो उसको अदिश राशि कहा जा सकता है। लेकिन कई वैज्ञानिक उसको अदिश ना मान करके प्रदिश राशि मानते हैं, जिसको टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। इनका नाम आपको इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए कि जो सदिश राशियां होती है उनको तो कहा जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज, जो अदिश होती है उनको बोला जाता है स्केलर, स्केलर इसको बोला जाता है टेंसर। देखो
याद रख लेना स्केलर अदिश वेक्टर सदिश और फिर आपके पास रहता है टेंसर जिसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो इसमें आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो जैसे जड़त्व आघूर्ण कोणीय जड़त्व आघूर्ण कोणीय लिखने की जरूरत नहीं वैसे आघूर्ण बोल दिया तो वही बात है कोणीय राशियां होती है ना वो लिखो। आगे अपन नेक्स्ट जो अपने आगे आने वाले चैप्टर है उनमें बहुत सारी कोणीय राशियां पढ़ेंगे अपन जैसे जड़त्व आघूर्ण की बात करी मैंने उसी तरीके से आप कहेंगे संवेग की बात करोगे तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनमें परिमाण जो है वो वही रहेगा लेकिन उनकी जो दिशा है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी। वो हमारे यहाँ पर सिलेबस में नहीं है तो हम लोग बस दो ही कैटेगरी रखेंगे एक अदिश एक सदिश। जो अदिश है नहीं है वो कौन सी होगी सदिश या यूं कह सकते हैं जो सदिश नहीं है वो क्या है अदिश। ठीक है बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर नहीं सर नहीं सर, नहीं, सर। तो अब यहाँ के बाद अपन पढ़ रहे हैं सदिश राशि को व्यक्त कैसे किया जाए सर कोई भी सदिश राशि उसको व्यक्त कैसे करते हैं। तो सदिश राशियों का देखो सदिश राशियों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रदर्शन होता है जिस तरह से अपन उनको दर्शाते हैं तो वो एक बार देखो पहले। जैसे मैंने कहा कि कोई एक राशि सदिश है जैसे अभी आपने नाम लिया जैसे विस्थापन का या वेग का तो वेग वी लिखोगे और उसके ऊपर क्या लगा दोगे इस तरह से एक वेक्टर का चिन्ह लगा दो। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके प्रतीकों के ऊपर उनके प्रतीकों के ऊपर वेक्टर सदिश का चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह लगा देते हैं जैसे जैसे वी वेक्टर। अब ये तो क्या है हम लोग यूज करते हैं कई बार किताब में आप लोग देखते हो वेक्टर का सिंबल ही नहीं है ये वेक्टर जो है ना सदिश इसका सिंबल ही नहीं है ये तीर का निशान है ही नहीं तो फिर आप कह सकते हो सर यहाँ तो सदिश का निशान नहीं है फिर इन्होंने कैसे इसको सदिश प्रदर्शित कर दिया। अब हमेशा ध्यान रखना आज से अब आप लोगों ने आज से आप सदिश पढ़ रहे हो ना तो हमेशा ध्यान रखना हमें पता होना चाहिए सदिश राशियां कौन सी अदिश राशियां कौन सी है कुछ को आप पहचान चुके हो कुछ को आप आगे पहचानते जाओगे कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश राशि है। भाई जिनमें दिशा होती है वो सदिश राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती जिनको व्यक्त करने के लिए वो अदिश राशियां। अब ये जो ऐसी राशियां है इनके ऊपर हम सदैव वेक्टर का चिन्ह काम में लेंगे तो इधर अगर वेक्टर का चिन्ह काम में लिया तो इधर दिशा जरूर बताएंगे यानी इधर भी कोई ना कोई ऐसी राशि होनी चाहिए जो दिशा को व्यक्त करे अदरवाइज हम जो भी व्यक्त करेंगे वो होगा इसका परिमाण बिना दिशा के केवल परिमाण। जैसे मान लो हमने कह दिया कि 8 मीटर उत्तर की ओर तो 8 मीटर उत्तर बोला मीटर आ गया इसका मतलब दूरी या विस्थापन में ऐसा कुछ है क्योंकि अपने को पता है दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है मीटर लेकिन साथ में दिशा आई इसलिए बताओ दूरी है या विस्थापन। विस्थापन विस्थापन वेरी गुड यानी कि दूरी के साथ अगर आपने उसके साथ अटैच कर दिया दिशा तो वो बन गया विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब विस्थापन को जब भी व्यक्त करोगे तो आप साथ में दिशा लिखोगे अगर उसमें वेक्टर का चिन्ह लगाओगे जैसे मान लो मैंने कह दिया विस्थापन जो है ये तो हो गया वेग। अब अगर मान लो मैं x वेक्टर लिखता हूं तो x वेक्टर यहां पर मैंने कह दिया कि ये विस्थापन है
ये विस्थापन है, और विस्थापन जो है वो मान लो मैंने दे दिया 50 मीटर। आगे अपन देखेंगे उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ये जो है ना, इन दिशाओं को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं अपन। तो लाइन तो खींच गई, तो विस्थापन एक्स वेक्टर बराबर जैसे मैंने बोला 50 मीटर। अब आगे दिशा व्यक्त करने के लिए अपन एकांक सदिश काम में लेंगे, अलग अलग सदिश पढ़ेंगे। फिलहाल मैं लिख देता हूं 50 मीटर उत्तर दिशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो राशि है वो वेक्टर है और इधर उसके साथ दिशा है। अब बेटा किताब के अंदर क्या करते हैं, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए वेक्टर थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, टाइपिंग जब करते हैं ना वैसे बन जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरीका रखा है किताब में सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए, वो गहरा काला अक्षर काम में लेते हैं। गहरा अक्षर सदिश को दर्शाने के लिए गहरा काला अक्षर, या आप यूं कह सकते हो बोल्ड लेटर्स, इंग्लिश में बोल्ड लेटर समझते हो। तो जैसे मान लो बी लिखा है तो बी को बहुत ऐसे गहरा दर्शाएंगे इस तरह से। तो ये जो बी है ये क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि का प्रतीक। कितना समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब इसके अलावा ये तो हम प्रतीक को कैसे दर्शाते हैं, अब सदिश राशियों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। प्रदर्शन की अगर बात करें अपन तो प्रदर्शन कैसे होगा, सदिश राशियों का जो प्रदर्शन है सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक तीर का निशान काम में लेते हैं, एक तो रेखा हो गई और एक ये तीर हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो तीर का निशान है एरो है, एरो का निशान हो गया कि भाई इधर जा रही है, ऐसे ये एरो अगर इधर बना देता तो दिशा इधर हो गई सामने, ऐसे ही मैं इधर बना देता तो ऐसे कोई भी दिशा चुनी जा सकती है। तो सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह की चीजें काम में लेते हैं। अब है क्या क्या इसमें, तो इसमें देखो हम क्या क्या काम में ले रहे हैं, ये थोड़ा गौर कीजिए कि हम एक तो यहां पर ले रहे हैं रेखा। तो रेखा जो होती है वो तो दर्शाती है परिमाण, रेखा क्या दर्शाएगी, रेखा दर्शाएगी परिमाण। ठीक है, रेखा तो दर्शाएगी परिमाण। वे तीर का जो निशान है या चिन्ह है वो क्या दर्शाएगा, दिशा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो रेखा है वो किसको व्यक्त करती है और तीर का निशान किसको व्यक्त करती है। रेखा परिमाण को दर्शाएगी और जो तीर का निशान होगा वो दिशा को दर्शाएगी। जैसे ऐसे तीर बनाया, तो यहां से लेकर के यहां तक ये इसका हो गया परिमाण, ये किसको व्यक्त कर रहा है, परिमाण को। और अगर आपने इस तीर के निशान को इधर बना दिया तो ये दिशा होगी इधर। एक तीर की दो दिशा नहीं हो सकती, इसे ऐसे नहीं आधे भी बनाना, ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, ये गलत है। तो यहां पर जैसे P वेक्टर को दर्शाना है तो P वेक्टर क्या होगा, एक ऐसी रेखा बनेगी और एक तीर का निशान। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो ऊपर वेक्टर बनाते हैं ना तीर का निशान, ये तीर का निशान बेटा हमेशा इस डायरेक्शन में बनाते हैं, ऐसे नहीं कई बार ऐसे बना दो कि ये भी वेक्टर ही हो, ये गलत है बेटा। ठीक है, हाँ इस तीर में कैसा भी चिन्ह या दिशा हो सकती है। अब बेटा देखो
इसके अलावा अब अगर अपन इसको व्यक्त करें तो दो नाम आपको और ध्यान होने चाहिए। एक तो होता है कुछ कुछ भाग, सदिश में दो भाग होते हैं, और एक होता है आपके पास इसका शेष भाग, या तो केवल शेष के दो या केवल कुछ के दो, या कुछ भाग या शेष भाग के दो। कुछ भाग क्या होता है, तो जो शीर्ष भाग होता है वो होता है तीर का निशान, और कुछ भाग होता है वो होता है आपके पास अंतिम बिंदु, सदिश का अंतिम बिंदु। इंग्लिश में इनको बोल देते हैं टेल, टेल एंड, और इसको अपन बोल देते हैं हेड। तो बताइए जरा इसमें कौन सा तो कुछ भाग है और कौन सा शीर्ष भाग है? सर तीर वाला होगा वो हेड होगा, बिल्कुल, और पीछे वाला टेल। हाँ, तो यहाँ पर वापिस से बता सकते हो कि जो शीर्ष भाग होता है उसमें तीर का निशान वाला दिशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दिशा दर्शाता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने बोल दिया ये तो हो गया इसका शीर्ष, ये हो गया इसका कुछ भाग। पूंछ कैसी तो आप ये अभी जो मैं शब्द लिखवा रहा हूं, आगे जब अपन नियम पढ़ेंगे ना सदिशों के योगफल के नियम, तब वहां पर ये चीजें काम में आएगी कि दो सदिशों को जोड़ने के लिए पहले सदिश के कुछ भाग पर दूसरे सदिश का शीर्ष भाग रख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भाग कौन सा शीर्ष भाग कौन सा। अब अपन पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार तो बेटा अपन दो प्रकार के सदिश पढ़ेंगे इसमें। एक तो पढ़ेंगे अक्षीय सदिश और एक अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय सदिश। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रकार इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये जो प्रकार है वो सदिशों के अलग अलग वो जैसे थे गुणन के आधार पर थे, ठीक है, अक्ष के अनुदिश गुणन हो रहा है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश भी क्या आते हैं, आगे जब अपन डेविसन एंड जर्मर प्रयोग पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक ध्रुवीय सदिश के रूप में किसी राशि को व्यक्त किया जाता है, वो भी अपन देखेंगे किस तरह से। अब कुछ और सदिशों के प्रकार है उनको भी अपन डिटेल में देखेंगे, पहले ये जानना जरूरी है ताकि मैं आपको किसी भी सदिश का परिमाण कैसे लिया जाता है वो और दिशा कैसे व्यक्त की जाती है वो दोनों एक साथ बता सकूं। तो बेटा ये कुछ नाम है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ बेटा स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। क्या होता है स्थिति सदिश ये आपको जानना है। तो स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश, नाम से ही बता दो इसका, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है बेटा स्थिति सदिश, नाम से ही पता है एक ऐसा सदिश जो किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के काम में आता है, स्थिति सदिश कहलाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश, किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश होता है वो स्थिति सदिश होता है। जैसे ये आपके पास निर्देशांक ज्योमिति में अपने x, y और z तीनों ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप एक बिंदु ले लेते हो ये वाला, सॉरी
आज तो छींके बहुत आ रही है, कोरोना के चक्कर में तो नहीं आ गए? हाँ, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बहुत दूर हो, है ना। ये एक बिंदु है, तो बेटा बिंदु जो है, इस बिंदु की अगर स्थिति को दर्शाना हो या स्थिति सदिश बनाना हो उसका, तो क्या करना है आपको एक बात ध्यान रखनी, कभी भी किसी ये बिंदु यहाँ होता नहीं, कभी होता, तो बेटा इसके स्थिति सदिश को दर्शाने के लिए तरीका क्या होता है, इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं। इसको किससे मिला देते हैं? मूल बिंदु से। मूल बिंदु कहाँ है? ये रहा, तो मूल बिंदु से इसको मिला दिया, ये लो बिंदु, दोनों का फर्क मिलाप हो गया। अब आप इसमें तीर का निशान हमेशा मूल बिंदु से दूर की ओर बनाते हो, किधर बनाते हो? मूल बिंदु से दूर की ओर, तो ये बनाया तीर का निशान। अब ये जो सदिश है, सदिश है कि नहीं है? बन गया ना सदिश? हाँ सर। ये जो सदिश है वो क्या है बेटा? बिंदु का मान लो बिंदु P था, ये O बिंदु है, तो P बिंदु का एक सदिश हो गया स्थिति सदिश, P बिंदु का स्थिति सदिश। ये हो गया बेटा O P वेक्टर। क्या हो गया ये? O P वेक्टर। देखो मैंने इसको O P वेक्टर लिखा, पहले O लिखा फिर P लिखा, तो O P वेक्टर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, कैसे बनाते हैं स्थिति सदिश? तो बनाने का जो तरीका है उसको मैं कौन सा बता देता हूं। बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं, बिंदु को मूल बिंदु से मिलवाते हैं, मिलाते हैं, इस बिंदु को जिसका स्थिति सदिश ज्ञात है, और दूसरा जो इसमें काम है वो क्या है, मूल बिंदु से दूर की ओर तीर का निशान लगाओ। मूल बिंदु से दूर की ओर तीर का निशान लगाओ। इतना समझ में आया कि आपको? कोई डाउट है स्थिति सदिश में? नहीं सर। इस पूरे को एक नाम दे सकते हो आप, जैसे मान लो ये P का है ना, तो आप इसको P वेक्टर भी दे सकते हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम बता रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरो वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो। अब परिमाण नहीं है तो दिशा बताओगे क्या फिर? तो सर इसकी दिशा होगी नहीं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो शून्य सदिश कहलाता है। जैसे ओरिजिन। कई बार विस्थापन जीरो हो जाता है, वो क्या हो गया फिर? शून्य सदिश ही हो गया फिर वो। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, एकांक सदिश। जैसे शून्य सदिश की परिभाषा वो है, वैसे एकांक सदिश की परिभाषा तो क्या? बिल्कुल वैसे देंगे। बोलो फिर क्या होगी? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, इकाई हो, एकांक हो, एकांक सदिश इकाई सदिश
एकांक सदिश को जो इकाई सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह जब जब सदिश आएगा तब तब इसका यूज आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है, ठीक है, वो सही कर लेना। अब बात करते हैं अपन इसका काम क्या है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई क्या काम करता है, है ना। मान लो आपके आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो और फिर मैं आपको किसी आदमी से पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछोगे तो सही ना कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा ये एकांक सदिश इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है, और हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं तो सदिशों को तो चाहिए ही क्या दिशा, है ना। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, एक ही बोल, हाँ अंधा है ना, तब चलो वैसे दोनों चाहिए, आप ऐसे मत करिए, हमें सुनने से कभी एक ही बोल। हाँ, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर कहलाता है, इसका उपयोग या ये दिशा व्यक्त करने के काम में आता है। अब इनको व्यक्त कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे, तो एकांक सदिश को दर्शाने के लिए बेटा कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, जैसे गांव में आसपास कहीं मेला लगता है तो विशेष कार्यक्रम में तो लोग बिल्ला लगा के खड़े हो जाते हैं, बिल्ला लगाते हैं ना इसे, हाँ पहचाने जाते हैं भाई ये स्पेशल कार्य करता है। इसी तरीके से जैसे अभी सरपंचों के चुनाव होने वाले, तो सरपंचों के चुनाव में मान लो जैसे जहाँ वोटिंग हो रही है तो वहाँ अधिकारी जो रहेंगे उनके अलग से एक आईडी कार्ड लगा रहता है, तो वो पहचान होगी उनकी, इसका आईडी कार्ड क्या है, तो इसका जो आईडी कार्ड होता है वो होता है एक केप का निशान, टोपी देते हैं, क्या देते हैं, एक टोपी लगा के रखेगा, ये हमेशा एक टोपी लगा के रखेगा, पर इसकी टोपी की थोड़ी डिजाइनिंग अलग है, अगले ने चुन ली अपने को क्या करना है, तो दर्शाने के लिए केप काम में लेते, क्या काम में लेते, केप। अब मैंने अभी केप लिख तो दिया, कैसी अभी दिखाता हूँ आपको, यानी अगर किसी पर केप आ गई ना तो ये समझ लेना वो एकांक सदिश है। जैसे आर के, जैसे आर के एन के, हमारा आर के इनको पढ़ेंगे ऐसे, आर के एन के आई के जे के 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 बहुत देते ऐसे ए के बी के सी के डी के पूरी एबीसीडी आपके पास, ठीक है, बेटे बेटे लिखते रहे, इतना समझ में आया क्या, आया सर, आगे बढ़े। अब बेटा इनका सूत्र होता है एकांक सदिश का सूत्र, सदिश बटा परिमाण, एकांक सदिश अगर किसी का भी निकालना है ना, तो जैसे मान लो आपको आर सदिश का एकांक सदिश निकालना है, अब वो आगे फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आई केप क्या है, जे केप क्या है, के केप क्या है बताया है, अभी वो पूरा पढ़ करके फिर इस सूत्र को पढ़ेंगे, तो एक बात नॉर्मल सूत्र पढ़ लो, इसका सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये सूत्र होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसे कौन से विशिष्ट एकांक सदिश जो हम काम में लेते हैं, तो बेटा आपको तीन विशिष्ट एकांक सदिश जानने की जरूरत है, एक होता है बेटा आई के, एक होता है जे के और एक होता है के,
ये तीन विशिष्ट एकांक सदिश है। तो मैं यहाँ पर इधर बना रहा हूँ आईके, इधर बना रहा हूँ जेके और इधर बना रहा हूँ केके। हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है कि एक्स की दिशा में आई के, वाई की दिशा में जे के और जेड की दिशा में के के। इसका मतलब बस इतना सा है कि आई के क्या दिखाता है, एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश, यानी एक्स एक्स की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक्स एक्स की दिशा को दर्शाने वाला एकांक सदिश। भाई अब मैं बार बार एकांक सदिश को नहीं बोलू, आई के है तो आई के क्या दर्शा रहा है, जो बीच में तीर का निशान है वो तीर का निशान सदिश के लिए नहीं, वो तो ये बता रहा है कि क्या करता है। तो आई के एक्स अक्ष की दिशा को दर्शाता है। जेके क्या करेगा? तो जेके बताएगा बेटा वाई एक्स की दिशा। और फिर आपके पास बेटा होता है कौन सा होगा तीसरा बताओ? जेड जेड के। तो यहाँ पर आप लिखोगे के के, के बेटा होता है जेड एक्स की दिशा दर्शाता है, तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। नो सर। तो सर तेज सर चतुर्थांश में आता तो इसको अलग से क्यों लिखते हैं? कैसे बेटा? ये डेड है ना? हाँ भाई। ये तो सर तीसरे चतुर्थांश में ना बेटा, यहाँ तीसरा चतुर्थांश नहीं, ये फिर आपका गलत समझना हो गया। देखो ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, जैसे एक तो आपके पास है ये मान लिया एक्स एक्सिस, तो ऐसे होगा वाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस होगा ना बेटा वो सामने होगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? सामने की तरफ। तो मुझे बताओ सामने वाली जो लाइन है क्या बोर्ड पर अपन खींच सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर उसको ऐसे दिखा लें। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये यहां है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में नहीं। अब बेटा अगर मान लो जेड का एक्स का विपरीत दिशा होती, इधर एक्स एक्सिस की ये दिशा होती तो बेटा इधर कौन सा के पता बेटा? अपनी प्रेजेंट दर्शा दिया करो, हाँ हम भी हैं। वाई एक्स ऊपर की ओर है, अगर मैं नीचे वाई एक्स लेता हूँ माइनस जे के, तो ये बनेगा माइनस जे के, माइनस जे के। अगर जेड एक्सिस इधर है तो इसके पीछे जो जेड एक्सिस होगा उसको मैं इधर ऐसे ही ड्रॉ करूंगा ना, इसके पीछे इधर फैले, तो ये हो गया जेड एक्सिस। लेकिन इसकी दिशा में जो सदिश होगा उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस का। आपको इतना समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ऐसे एक अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बता रखा है और एक बिंदु दे दिया, जैसे 10 क्लास में निर्देशांक ज्योमिति वाली एक प्रश्नावली थी उसमें आपको बिंदु दे दिया कि पी है एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई का मतलब ये हो गया कि बिंदु इधर तो है एक्स और इधर है वाई, 2.3 लिखा तो इधर 2 ऊपर 3 ऐसा ही तो होता। Yes, sir. So, ये तो अभी केवल और केवल बिंदु है, अगर इसका स्थिति सदिश बनाएंगे तो हम लोग इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे, मिला दिया मूल बिंदु से। अब इस स्थिति सदिश को अगर मैं ये कहूं कि ये माना कि स्थिति सदिश आर वेक्टर है, क्या है आर वेक्टर? मान लीजिए ये स्थिति सदिश जो है ना वो आर वेक्टर है। आप पूरा ओपी कह सकते हो, आपको ऐसे लगेगा नहीं है, आपकी जो ओपी ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर जो होगा आपको पता है वो ये है, लेकिन कभी भी कोई सदिश राशि होती है तो दिशा के साथ आती है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के। समझ में आई बात? यस सर। नहीं सर। एक्स जो है
आई के एफ की दिशा में है और वाई जो है वो जे के एफ की दिशा में। हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसे कोई बिंदु आ जाते हैं तो जो एक्स एक्सिस का होगा उसके साथ आई के एफ लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगा करके वाई वाले के साथ जे के एफ लिखेंगे। अब ये तो एक्स और वाई दो एक्सिस है। अब सपोज जो आपके पास तीन एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस कोई बिंदु आ गया यहाँ पर जिसके निर्देशांक हो गए x1, y1, z1। बताओ इसका जो स्थिति सदिश होगा r वेक्टर उसको क्या नाम दोगे, पूरा वो प्रदर्शित कैसे करोगे आप? x i k प्लस y j k प्लस z k k बराबर x1। x1 मिल गया ना, तो x1 दिशा किधर है i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। ऐसे किसी भी सदिश को सदिश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कोई डाउट हो तो बताओ। हां सर। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे, कल सदिश का परिमाण याद करेंगे, एकांक सदिश से उनका भी परिमाण देखेंगे कि क्या परिमाण है, किस तरह से याद करते हुए एकांक सदिश का परिमाण एक है और इनसे जुड़ी हुई और अन्य जो परिभाषाएं हैं वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय केशेश, जय हिंद। ओके सर।